हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 379 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लेन पेंग यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, जहाँ पे बहुत से मस्किटो ड्रैगन जाइंट फेसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेन पेंग उन्हीं फेसेस के सामने खड़ा हुआ होता है। जितने वहाँ पे फेसेस होते हैं उनके अंदर एक केव होती है जिनके अंदर उनको जाना होता है, जहाँ पे स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। लेन पेंग कहता है पहले राउंड में तो हमें टेम्पल मिलते हैं जिनके अंदर जाके हमें कल्टिवेशन मिलती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है पावरफुल होने की। अब यहाँ पे इस सेकंड राउंड में पता नहीं क्या होगा, शायद इन फेसेस के अंदर जो केव है उसके अंदर जाके हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे हम पावरफुल हो जाएं। तो लेन पेंग उन्हें सोच रहा होता है कि ये जो राउंड होने वाला है ये होने वाला है रैंकिंग का, यानी कि आपकी रैंक यहाँ पे डिसाइड होगी, यानी कि आप कितनी रैंक पे आते हो इस कंपटीशन के सेकंड राउंड में पता चलने वाला है। और बहुत से लोग यहाँ पे अपना ट्राई देने वाले हैं, बेस्ट करने वाले हैं जिससे वो एक अच्छी रैंक को हासिल कर लें। उस नई कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड के बैटल के दौरान वो सभी लोग देखेंगे कि वो किसी स्ट्रांग अपोनेंट के सामने ना आ जाए, यानी कि किसी टैलेंटेड पर्सन और पावरफुल कल्टिवेटर के सामने ना आ जाए। अगर वो आ जाते तो सेकंड राउंड में हार जाएंगे और मारे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ही सोच रहा होता है सेकंड राउंड से रिलेटेड कि तभी अचानक से बहुत ज्यादा इवल और पावरफुल ऑरा उसे महसूस होता है। लेन पेंग सोच रहा होता है क्या क्रिया हो गया रहा है, उसके पास इतना ज्यादा इवल ऑरा कहाँ से आ रहा है। लेन पेंग पीछे देखता है और कहता है अच्छा मैं समझ गई, ये तो उसी का है इवल ऑरा। लेन पेंग कहता है ये तो जूशा का इवल स्पिरिट मतलब ऑरा है जो भी है। और यहाँ पे जूशा और लेन पेंग के सामने खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसको एक बंदे ने बताया था कि असल में लेन पेंग ये जिसने उसके सारे साथियों को मारा था। जूशा लेन पेंग की तरफ बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से वाली निगाहों से देखता है और कहता है तो अच्छा तू है वो कमीना जिसने मेरे साथियों को मारा था। जूशा जो वहाँ पे होता है वो बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और वो ठीक से लेन पेंग के ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि वो जानता होता है कि इस नई सिटी कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के अंदर हम सिर्फ लोगों को मार सकते हैं ना कि कॉम्पिटिशन से बाहर। वो सिर्फ लेन पेंग बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज कर रहा होता है जबकि लेन पेंग मन में सोच रहा होता है शायद जूशा को पता चल गया है कि एक दिन पहले शायद से मैंने इसके बंदे को मार दिया था, शायद वहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया होगा और ये यस्टरडे की सारी बात को जान चुका है कि पहले मतलब एक दिन पहले क्या हुआ था। लेन पेंग सोच रहा होता है ये जो ब्लड इवल है ये मेरे को शायद से यहीं पे मारना चाहता है बट ये ठीक से कर नहीं पाएगा। कि देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बंदा लेन पेंग है, लेन पेंग की तरह ही है, ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसके पीछे आती है। और जरा देखो अभी इसने जूशा से भी पंगे ले लिया और जूशा भी इसके पीछे पड़ा हुआ है इसको मारने के पीछे। टाइशो सेक के लोग इसको मारने के पीछे, इस लेन पेंग कंपनी को मारने के पीछे, ऊपर से बहुत से लोग हैं जो कि लेन पेंग को मारना चाहते हैं क्योंकि इसने टाइशो सेक के लोगों से पंगा लिया तो ये यहाँ पे मरने वाला है। मेरे को तो समझ नहीं आती जो लोग यहाँ पे यानरम के फिफ्थ लेवल पे होते हैं वाला वो इतना ज्यादा एरोगेंट और किसी को यहाँ पे डेयर कैसे कर सकते हैं किसी से पंगी लेने की जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि आप जूशा को ले लो, जूशा इतना ज्यादा पावरफुल है, भला कोई यानरम का फिफ्थ लेवल का बंदा जूशा जैसे टाइशो सेक के पावरफुल बंदे को कैसे भला उससे पंगे ले सकता है और टाइशो सेक से पंगे ले सकता है। भाई यानरम का ये बंदा है जो कि यानरम के फिफ्थ लेवल पे तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। जबकि एक और बंदा कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि इस बंदे से असल में यूमो भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, यूमो भी यहाँ पे इस लड़के से बदला लेना चाहता है, इस लेन पेंग को मारना चाहता है, जूशा भी इसको मारने के पीछे पड़ा था। अब देखो इस बंदे ने तो यहाँ पे मतलब यूमो भी इस बंदे के पीछे पड़ा था और देखो अब यहाँ पे जूशा से भी इसने पंगे ले लिया, जूशा भी इसको मारने के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि एक बंदे को दिखाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है, लेन पेंग को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब लेन पेंग तो यहाँ पे मरने वाला है। देख के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि लेन पेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से मरने वाला है। ये लेन पेंग अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता है, यानी कि फिफ्थ लेवल पे होने के बाद भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझता है बट यहाँ पे मरने वाला है। जबकि लेन पेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये लड़का ये वू फेंग है। जबकि वो बंदा जो होता है वू फेंग वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तू लेन पेंग तू यहाँ पे मरने वाला है, वैसे तो हमारा जो क्लैन था हमारा मतलब हमारा जो किंगडम था वो चाहता था, यानी हमारे याओ फेंग किंगडम चाहता था कि तू हमारे हाथों से मरे, चल कोई ना अब तू जैसे कि यहाँ पे इस लड़के यानी जूशा के हाथ से मरने वाला है तो अब इसमें बोला हम एक्शन लेके क्या करेंगे, तू तो मरने वाला है वैसे भी, अब तो हमें हाथ हिलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा तो काम जूशा ही कर देगा तेरे को मार के। जबकि लेन पेंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है अच्छा हाँ तू ना सही का, और स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में भी तो कुछ ऐसे ही चाहता था कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ बट जरा देख मैं अभी तेरे आंखों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। और बात करें तुम चारों की तो तुम चारों में से तुम बाकी के लोग तो मारे ही जा चुके हैं जो कि मेरे को मारने के लिए आए थे और मेरे को नहीं लगता तुम्हारी याओ फेंग किंगडम से भी ज्यादातर लोग बचने वाले हैं। जब स्नोई कॉम्पिटिशन का थर्ड राउंड चालू होगा तो मेरे को नहीं लगता तब तक कोई जिंदा भी होगा तुम्हारे याओ फेंग किंगडम से। और लेन पेंग जो होता है उस बंदे की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है और बहुत ज्यादा उसकी बेइज्जती कर देता है जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है तू कमीने तू यहाँ पे जितनी बकवास करनी है ना कम कर ले। और जो बंदा होता है मन में सोच रहा होता है कि ये जो कमीना है स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के दौरान इसने बहुत से पावरफुल लोगों को भी मार दिया था। स्नोई कॉम्पिटिशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होती है बहुत से टॉप के जीनेसिस थे जो कि मर चुके थे। ये बंदा पता नहीं ऐसा क्यों कहता है कि ये टियानिया ऑफ विन किंगडम से है, पता नहीं अजीब सही मतलब बोल रहा है कि ये टियानिया ऑफ विन किंगडम से, पता नहीं जो भी है ट्रांसलेशन में जो है मैं तो वही बता रहा हूँ। वू फेंग कहता है कि असल में मैं जो सेवंथ एनवोई था टियानिया ऑफ विन एंड मतलब विन किंगडम से, मैं स्नोई
भी कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में बच गया, जबकि बाकी के चार लोग थे वो यहाँ पे मर चुके थे। और इसमें बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है, इसका तो पूरा नेचुरल है ये सब, तो कि आखिर वहाँ पे वो सब चीज़ें किसने की मैं अच्छे से जानता हूँ। और वो लिनफेंग चिल्लाते हुए कहता है, लिनफेंग अगर मैं मरूंगा तो तेरे को मार के मरूंगा, मैं तेरे को मार के रहूंगा। लिनफेंग यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तेरे को ट्राई करना है तो तू कर सकता है। जबकि देखने वाले लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये लिनफेंग है कौन ये बंदा। जबकि दूसरा बंदा यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बंदा और जीनियस भी है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, टैलेंटेड भी है, और यहाँ पे इसके इतने ज्यादा एनिमीज है, इसके मतलब चारों तरफ एनिमीज ही एनिमीज है। ये बंदा जहाँ भी जाते हैं इसके एनिमीज बन ही जाते हैं। वैसे मेरे को लगता तो नहीं कि ये बंदा इस नई कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड में जिंदा ही बचेगा कि नहीं। अगर ये बंदा इस नई कॉम्पिटिशन से ठीक है सेकंड राउंड में भी जिंदा बच जाता है तो ये एक मिरेकल ही होगा, ये चमत्कार ही होगा भाई, ये बंदा जिंदा कैसे करके, क्योंकि इस नई सिटी कॉम्पिटिशन में इसके जितने भी दुश्मन वगैरह वो भी यहाँ पे भाग लेंगे और इसको मारने का पूरा ट्राई करेंगे। मतलब भाग नहीं, मतलब सारे लोग इसको स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड में मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिनफेंग को ट्राई करने की मारने की। पता नहीं ये बंदा जिंदा ही बचेगा कि नहीं, ऐसे करके लोग सोच रहे होते हैं लिनफेंग के बारे में। जबकि एक और बंदा यहाँ पे लिनफेंग के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये लड़का अपने यान लेन के फिफ्थ लेवल पे है और ये यहाँ तक स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड तक आराम से पहुंच चुका है। और ये बंदा यहाँ पे स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड को भी पार कर लेता है तो ये जीनियस इसके लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉप का जीनियस माना जाएगा, सभी लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे इतने सारे एनिमीज के साथ मतलब होके भी यहाँ पे स्नोई सिटी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड को भी पार्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि ये एक जीनियस ही हो सकता है। टैंग यू भी वहाँ पे आती है और कहती है कि लिनफेंग आज तो देख लिया कि तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज है। जबकि लिनफेंग टैंग यू की तरफ देखता है, कहता है बहुत टाइम हो गया तब से तुम्हें देखे हुए। लिनफेंग यहाँ पे पता नहीं ऐसा कहता है कि बहुत ज्यादा टाइम हुआ तुमसे मिले हुए, जबकि ये लोग कल परसों ही मिले होते हैं। टैंग यू बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, लिनफेंग आखिर तुम्हें हो क्या गया है, हम तो कल ही मिले थे, हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है, और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हम बहुत मिले, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, फिर बात क्या है लिनफेंग। जबकि लिनफेंग यहाँ पे थोड़ा सा हंसता है और कहता है, लिनफेंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हेलो कहता तो ये बिल्कुल अजीब ही लगता, तो मैंने सोचा यही कह देता हूँ कि हम बहुत टाइम बाद मिले, चलो छोड़ो इस बातों को। लिनफेंग और टैंग यू आपस में वहाँ पे बात ही कर रहे होते कि तभी हमारा वहाँ पे जुनमोजी आता है और कहता है कि देख लगता है जैसे तुम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हो और यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोगों को अपने आपको ठीक से प्रिपेयर करना होगा क्योंकि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है गेम। जो हमारा जुनमोजी होता है वो लिनफेंग और टैंग यू से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे कोशिश करनी होगी और एक अच्छी रैंक को हासिल करना होगा, और जितना ज़्यादा इस राउंड के मतलब इस राउंड के जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक हो तुम हासिल करोगे, जो फाइनल बैटल होगा जो फाइनल बैटल की रैंकिंग होगी उसमें तुम्हें एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिलेगी। यानी कि अगर तुम इस सेकेंड राउंड में अच्छी रैंक को हासिल करोगे तो नेक्स्ट राउंड में भी तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी रैंक हासिल होगी और तुम अच्छी रैंक को पा पाओगे। ये लिनफेंग यहाँ पे कहता है जुनमोजी से कि हाँ बिल्कुल मैं एक अच्छी रैंक को हासिल करने की पूरी ट्राई करूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे मैं एक अच्छी रैंक को हासिल करूं। तभी वहां पे एक बंदा आता है जो कि हमारे लिनफेंग का दोस्त ही होता है। लिनफेंग से कहता है कि मेरे को माफ करना, मेरे को थोड़ी सी देर हो चुकी है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड को फिलहाल के लिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से इसकी आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। साइन ऑफ, पीस, गुड बाय।